साइकोलॉजी फैक्ट्स इन हिंदी। फैक्ट नंबर 1, साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लड़कियां लड़कों के रूप और पैसों से आकर्षित नहीं होती हैं, बल्कि उनकी स्मार्टनेस और बिहेवियर से आकर्षित होती हैं। फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपने किसी खास पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजी कहता है अगर आप अपने पार्टनर को भूलना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में दोबारा किसी से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप अपने पहले प्यार को भुला सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार जिससे आप प्यार करते हैं, आप कितनी भी समस्याओं से क्यों न घिरे हो, उस इंसान की थोड़ी सी आवाज भी आपकी समस्या को 70% तक कम कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, जो लोग रोज खुद से बात करते हैं वो दूसरे लोगों से बेहद ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 6, जो लड़कियां बेहद समझदार होती हैं, उन्हें उनके जीवन साथी को ढूंढने में बेहद समस्या आती है, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट जीवन साथी चाहिए जिसमें एक भी कमियां ना हो। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी के अनुसार किसी को फोर्स मत करो कि वो आपको टाइम दे, अगर वो सच में आपकी केयर करता है तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा। फैक्ट नंबर 8, जो भी लड़का या लड़की किसी के प्यार में पड़ा होता है उसकी रात की नींद और पढ़ाई जरूर खराब होती है। फैक्ट नंबर 9, साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों को हमेशा उनकी मनपसंद लड़की ही धोखा देती है। फैक्ट नंबर 10, सफल होने के बाद लड़का सबसे पहले उस लड़की को चुनता है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन लड़की सफल होने के बाद कभी भी उस लड़के को नहीं चुनेगी। फैक्ट नंबर 11, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बार बार आई कॉन्टेक्ट करते हैं तो आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, जो लोग अपनी शादी होने से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं उनके तलाक होने का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 13, साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं में पुरुषों से 8 गुना ज्यादा काम वासना होती है, लेकिन महिलाओं में खुद को कंट्रोल करने की भी बेहद ज्यादा ताकत होती है, जबकि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कम काम वासना होती है, लेकिन पुरुष खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और गलती करते हैं। फैक्ट नंबर 14, कोई भी व्यक्ति दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती को कभी नहीं भूलता। फैक्ट नंबर 15, साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी के बारे में जितना अधिक सोचते हैं आप उसके उतना ही करीब होते चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 16, जो लोग बेहद ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं वो वास्तविक जीवन में काफी अकेले होते हैं। फैक्ट नंबर 17, साइकोलॉजी के अनुसार किसी के साथ लगातार ज्यादा देर तक बात करने से उससे आकर्षण होने लगता है और 80% लोग इसे प्यार समझने लगते हैं। फैक्ट नंबर 18, जब भी एक व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा बोलता है तो वो अपने होश खो बैठता है और अनजाने में ऐसी बातें बोल देता है जो कि उसे कभी नहीं कहनी चाहिए। फैक्ट नंबर 19, कुछ अच्छा होने पर जो इंसान आपको सबसे पहले याद आता है वो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान है। फैक्ट नंबर 20, साइकोलॉजी के अनुसार जैसे ही आप सामने वाले को ये संकेत देते हैं कि आप सिंगल हैं, उसके अंदर आपसे बात करने का झुकाव और बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 21, आप चाहे कितनी भी समस्याओं से क्यों ना घिरे हों, उस इंसान की थोड़ी सी भी आवाज आपकी समस्या को 70% तक कम कर सकती है जिससे आप प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 22, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो ना? ये एक मनोवैज्ञानिक सवाल है, यहाँ किसी भी नाम का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी पर्सन का चित्र आपको दिमाग में जरूर आएगा, मतलब आप उसी से प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 23, अगर आप मुस्कुराते हो तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, यानी कि अगर आपने मेकअप नहीं भी किया है तब भी आपकी खूबसूरती में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो आप ज्यादा आकर्षक दिखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 24, साइकोलॉजी के अनुसार आप चाहे किसी भी पर्सन से कितना भी प्यार कर लें, लेकिन जिस दिन उसको आपसे ज्यादा बढ़िया पर्सन मिल जाएगा वो आपको छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 25, साइकोलॉजी के अनुसार अगर 2 प्रेमियों में एक भी अपनी आंख बंद करके दूसरे को याद करता है तो उसको ये महसूस हो जाता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। फैक्ट नंबर 26, साइकोलॉजी के अनुसार जिस इंसान को आप जितना ज्यादा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं वो इंसान उतना ही ज्यादा आपकी सोच के विपरीत गलत काम करेगा, चाहे भले ही आपने उसके अच्छे के लिए कंट्रोल किया हो। फैक्ट नंबर 27,
जब महिलाओं से मिले तो उनके स्तनों को नहीं घूरना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो वो उसी क्षण जान लेती हैं, इससे उनके दिमाग में आपकी खराब छवि बन जाएगी। फैक्ट नंबर 28। साइकोलॉजी के अनुसार आप सिर्फ अपने मसल्स के बारे में सोचकर ताकतवर बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 29। साइकोलॉजी के अनुसार लाल रंग के कपड़े पहने हुई लड़कियां लड़कों को बेहद जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 30। साइकोलॉजी के अनुसार अगर एक अविवाहित महिला किसी बच्चे को जन्म देने के बारे में सपने देखती है तो इसका मतलब ये है कि वो महिला शादी के पहले किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध जरूर बनाएगी। फैक्ट नंबर 31। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप हरे घास के मैदान में चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बेहद जल्दी अमीर बनने वाले हैं। फैक्ट नंबर 32। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जितना कम आप अपने आप को प्यार में व्यक्त करेंगे उतना ज्यादा अच्छा और लंबा आपका रिलेशनशिप चलेगा। फैक्ट नंबर 33। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बेहद जल्दी शर्मा जाते हैं ऐसे लोग धोखा नहीं देते, ऐसे लोगों पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 34। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां स्वभाव से डरपोक होती हैं, लेकिन अगर वो आपके सच्चे दिल से प्यार करती हैं तो वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 35। साइकोलॉजी के अनुसार आकर्षण अनेकों पर्सन के लिए हो सकता है, पर समर्पण और परवाह किसी एक व्यक्ति के लिए होती है। फैक्ट नंबर 36। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्यार करना चाहती हैं जिनके पास पैसा हो, और ज्यादातर लड़के उन्हीं लड़कियों से प्यार करना चाहते हैं जो दिखने में सुंदर और आकर्षक हो। फैक्ट नंबर 37। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर सिंगल वही लोग रहते हैं जो किसी एक के साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 38। लड़के किसी का साथ जल्दी छोड़ देते हैं लेकिन जल्दी वापस भी आ जाते हैं, जबकि एक लड़की को ये सोचने में समय लगता है कि मुझे इसका साथ छोड़ना है या नहीं, और अगर वो एक बार साथ छोड़ देती है तो फिर वापस नहीं लौटती। फैक्ट नंबर 39। साइकोलॉजी के अनुसार लड़के खूबसूरत लड़कियों की तुलना में ईमानदार लड़कियों से ज्यादा प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 40। साइकोलॉजी के अनुसार एक लड़की प्यार और भविष्य से हमेशा भविष्य चुनेगी। फैक्ट नंबर 41। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां उन लड़कों के प्यार में जल्दी पड़ जाती हैं जिन लड़कों को अच्छा खाना बनाना आता हो। वैसे क्या आपको खाना बनाना आता है? फैक्ट नंबर 42। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी लड़का लड़की वास्तव में सुंदर आकर्षक नहीं होता, ये हमारे मन की कल्पना होती है जिसके कारण कोई हमें सुंदर दिखता है। अगर आप इस कल्पना को मार दोगे तो आपका किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। फैक्ट नंबर 43। अगर रास्ते से जाती हुई कोई लड़की आपको अच्छी लगने लगती है तो वो इसलिए होता है कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और मजेदार बात यह है कि अगर ये आकर्षण 7 दिन तक बना रहा तो फिर आपको उससे प्यार हो जाएगा।